दोस्तों, क्या आप भी अपने फोन में कुछ ऐसा सेटिंग करना चाहते हो जिससे कि आपके फोन पे जब भी किसी का कॉल आए तो आपका फोन कॉल करने वाले का नाम बोलकर आपको बताए कि इस बंदे का कॉल आ रहा है, यानी कि उस बंदे के नाम से आपके फोन में रिंगटोन बजे। जैसे कि अगर आपने सामने वाले बंदे का नंबर जिस नाम से सेव किया होगा, जब भी वो आपको कॉल करेगा आपके फोन में उसके नाम का रिंगटोन बजेगा। अगर किसी अननोन नंबर से कॉल आएगा तो आपका फोन उस नंबर को पढ़कर आपको सुनाएगा कि इस नंबर से कॉल आ रहा है। अब मान लो आपका फोन आपसे कुछ दूरी पर रखा हुआ है, आप बेड पे हो और आपका फोन रखा है टेबल पे, या फिर आपका फोन पॉकेट में है। उस दौरान अगर आपको कोई कॉल करता है और उस नंबर को आपने जिस नाम से सेव किया होगा उसी नाम से आपके फोन में रिंगटोन बजेगा और आपका फोन उसका नाम बोलकर आपको बताएगा कि इस बंदे का कॉल आ रहा है। ऐसे में आप बिना फोन के पास गए या फिर बिना फोन को पॉकेट से निकाले आप जान सकते हो कि किस बंदे का कॉल आ रहा है, इसे रिसीव करना है या फिर नहीं करना है। और इसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, आपके फोन में ही एक सेटिंग है, आपको सिर्फ उस सेटिंग को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद जब भी आपके फोन पे किसी का कॉल आएगा आपका फोन उस बंदे का नाम बोलकर आपको बताएगा कि इस बंदे का कॉल आ रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये सेटिंग कौन सा है, इस सेटिंग को कैसे ऑन करते हैं, तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना और साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस सेटिंग को अपने फोन में ऑन करेंगे ताकि जब भी आपको कोई कॉल करे तो आपके फोन में उसके नाम का रिंगटोन बजे और आपको दूर बैठे ही पता चल जाए कि आपके फोन पे किसका कॉल आ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन में डायलर पैड को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ ऊपर कोने में इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इस पेज पे दोस्तों आपको कॉल से जुड़े हर तरह के सेटिंग देखने को मिल जाएंगे। इसी पेज पे आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, इस पे क्लिक करना है। फिर इस पेज पे पहला ही ऑप्शन मिलेगा अनाउंस कॉलर आईडी। अगर ये सेटिंग आपके फोन में नहीं मिलता है तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सेटिंग आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस पे क्लिक करना है और ये नेवर पे सेट होगा, इसे आपको ये पहला वाला ऑप्शन जो दिया ऑलवेज इस पे सेट कर देना है। इसके बाद दोस्तों जब भी आपके फोन पे किसी का कॉल आएगा उस नंबर को आपने जिस नाम से सेव किया होगा उसी नाम का रिंगटोन आपके फोन में बजेगा। अगर ये सेटिंग आपके फोन में नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और ऊपर सर्च बॉक्स में टाइप करना है फोन बाय गूगल और इस डायलर पैड को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। आजकल दोस्तों जितने भी नए फोन आते हैं 90% फोन्स में यही गूगल वाला डायलर होता है, लेकिन बहुत सारे फोन में डिफॉल्ट डायलर भी होता है उस कंपनी का। जैसे कि आप देख सकते हो ये सैमसंग का फोन है, इसमें सैमसंग का डिफॉल्ट डायलर दिया हुआ है, तो इसके अंदर ये वाला सेटिंग आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इस गूगल वाले डायलर को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मैं इस टोन को आपको सुना नहीं सकता हूं, अदरवाइज इस टोन की वजह से इस वीडियो पे कॉपीराइट का स्ट्राइक आ सकता है, लेकिन आप यहां पे सेटिंग के अंदर जाकर के कॉलर आईडी वाले सेटिंग को आपको यहां पे ऑन कर देना है। उसके बाद आपके फोन पे जब भी किसी का कॉल आएगा आपके फोन पे उसके नाम का रिंगटोन बजेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेना।